गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति गेट पर किसान इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने यूपी गाजीपुर बॉर्डर हवन भी किया। आपको बता दें, 7/2018 में 2 अक्टूबर के दिन ही किसान क्रांति गेट पर किसानों के साथ बर्बरता हुई थी, इसलिए हर साल 2 अक्टूबर का दिन किसानों के लिए उस दिन की भयानक यादें भी लेकर आता है। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन 2 अक्टूबर 2018 को किसान क्रांति यात्रा यूपी गेट यानी कि गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची थी, जहां किसानों के साथ बर्बरता हुई थी, जिसके बाद किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर का नाम बदलकर किसान क्रांति गेट रख दिया था। 2 अक्टूबर 2018 के दिन किसान दिल्ली में बापू की समाधि पर जाना चाहते थे। किसान अपनी गन्ना और अन्य मांगों को लेकर दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल भी पुलिस ने किया, जिसमें कई किसान घायल हो गए। उस दिन को किसान कभी नहीं भूल पाए, इसलिए किसानों ने मिलकर यूपी गेट का नाम किसान क्रांति गेट रख दिया। तब से हर साल यूपी गेट पर 2 अक्टूबर के दिन पूजा अर्चना की जाती है। गाजियाबाद से नितिन कुमार की रिपोर्ट। यूपी गेट पर 2018 में जो हरिद्वार से क्रांति यात्रा आई थी, गांधी जी की जयंती पर उनकी समाधि पर दिल्ली पहुंचना था, तो पुलिस ने यहाँ आतंक मचाया था, दिल्ली पुलिस ने। उसी के तहत जो है हर साल हम यहाँ, इसका नाम उस दिन हमने किसान क्रांति गेट रख दिया गया था। क्यों यहाँ से क्रांति शुरू हुई, तो हर साल जो है हम हवन करते हैं आज के दिन।